दोस्तों, जहां दुनिया में नफरत फैलती जा रही है, वहीं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां धर्म, जाति, नफरत के नाम पर एक भी बूंद खून आज तक नहीं गिरा, और वो देश है प्यारा सा नेपाल, जिसे दुनिया को पीस की सीख लेनी चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल में काफी ज्यादा प्यार है, लोगों के प्रति इज्जत है, सम्मान है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर जानवरों से भी प्यार करने पर देखा जाए तो नेपाल में जानवरों को बहुत पूजनीय और बहुत प्यार मिलता है। और फेस्टिवल के तौर पर नेपाल में कई जानवर पूजे जाते हैं। नेपाल में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को देवताओं के साथ पूजा जाता है। नेपाल में जानवरों को सम्मान भी इसीलिए मिलता है क्योंकि उनके कल्चर में ही जानवरों के प्रति सम्मान है और फेस्टिवल के रूप में उन्हें पूजा जाता है। नेपाल में विभिन्न जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को पूजने के लिए समर्पित कई त्योहार हैं। उन्हें या तो किसी देवी देवताओं के लिए पूजा जाता है या फिर उन्हें कोई देवी देवताओं के अवतार के रूप में पूजा जाता है। साथ ही जीव जिस तरह से लोगों का जीवन आसान बनाते हैं, उसके लिए भी उन्हें पूजा जाता है। और वो कितने मूल्यवान हैं, वो एक नेपाली बता सकता है अपने फेस्टिवल के जरिए, जो कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होता। ये रिच कल्चर एक रिच वैल्यू से जुड़ा है, जो कि नेचर है। हम नेचर यानी कि प्रकृति से बिल्कुल भी अलग नहीं है, हम उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। और वही चीज नेपाल के कल्चर में दिखती है। और अगर ये चीजें दुनिया भर के कल्चर से जुड़ जाएं, तो शायद प्रकृति और सुंदर हो जाए। नेपाली फेस्टिवल कहीं ना कहीं नेचर में एक बैलेंस क्रिएट करने के काम आते हैं, क्योंकि ये धरती पर सबसे समझदार जीव इंसानों और जानवरों के प्रति एकता लाते हैं, क्योंकि हम भी उन जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं है। तो इसीलिए हम बात करेंगे नेपाल के उन त्योहारों की, जिसमें विभिन्न पक्षी, कीड़ों और जानवरों को पूजा जाता है, और वो किस लिए पूजते हैं उसका भी जिक्र करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट्स के लिए जो कि आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्रो से, यानी कि पक्षी कौवे से। नेपाल में रोशनी के त्योहार तिहार के शुरुआत में ही कौवे को पूजा जाता है, क्योंकि कौवे को यानी कि क्रो को मृत्यु के देवता यानी यमराज का दूत माना जाता है। इसलिए भक्त यमराज को प्रसन्न करते और कौवे की पूजा करते हैं। कौवे की पूजा करके दुख और मृत्यु को दूर करने की आशा करते हैं। इस दिन को काक तिहार कहा जाता है। जो भी इसे मनाता है वो खाना खाने से पहले कौवे को पकाए गए खाने को देता है और छत पर या सड़क पर उनको चढ़ाया जाता है, जिसे कौवे आकर खाते हैं। तो कौवों के लिए तो उस दिन पार्टी टाइम होता है, क्योंकि उस दिन कौवों का दिन होता है और कौवों को बहुत ज्यादा खाने को मिलता है। नेपाल में काग तिहार के दूसरे दिन ही मनाया जाता है कुकुर तिहार, जिसमें कुत्ते को पूजते हैं, यानी कि डॉग्स को। इस मौके पर सभी खोजी कुत्तों को पूजा जाता है। नेपाल आर्मी अपने सारे कुत्तों को पूजती है, साथ ही साथ घर में जो भी कुत्ते पालते हैं उनको पूजते हैं। कुकुर तिहार जानवरों की पूजा करने वाली नेपाली हिंदुओं की कई प्रस्तुतियों में से एक है। कुकुर यानी कि कुत्ते को हिंदू देवता भैरव का वाहन माना जाता है। कुत्ते चाहे पालतू कुत्ते हो या फिर आवारा कुत्ते हो, इनकी पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उन कुत्ते के माथे पर टीका लगाया जाता है, साथ ही साथ उनके गले में माला भी चढ़ाई जाती है और उनको प्यार से बहुत सारा भोजन भी खिलाया जाता है। और उस दिन कुत्तों की तो पार्टी होती है, और ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स, जो कि बाहर यूं ही खुले पड़े रहते हैं और कई जगह तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनका भी सम्मान किया जाता है नेपाल में। और मैंने भी कई बार छोटे कुत्तों को बचाया है, कई बार मैंने जैसा नफरती माहौल देखा है उन कुत्तों के लिए, उसके लिए मैंने लड़ाई तक की है। क्योंकि आज के दौर पर शायद स्ट्रीट पर रह रहे कुत्ते से हर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन नेपाल के इस कल्चर से कहीं ना कहीं लोगों के मन में उस जानवर के प्रति सम्मान पैदा होता है, जो ये कल्चर ही सिखाता है और कोई और चीज नहीं सिखा सकती। और वही चीज अब दुनिया से धीरे धीरे गायब होती जाती है। तो मैं इसलिए नेपाली कल्चर को काफी ज्यादा अच्छा, वाइड और नेचर को प्यार करने वाला जरूर कहूंगा। तो चलिए जानते हैं अब तीसरे जानवर को। तीसरा जानवर है गाय। गाय तो हिंदुओं का सबसे पवित्र जानवर माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसका पूरा शरीर 330 मिलियन हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हिंदू देवी देवता साक्षात गाय में वास करते हैं। अधिकांश नेपाली कृषि घरों में गाय का पूजन जरूर होता है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और गायों को पालते हैं। हालांकि गायों को विशेष रूप से तिहार के तीसरे दिन गाय तिहार पर माला और टीका चढ़ाकर उन्हें मालपुआ, फल
आदि जैसे व्यंजन खिलाकर पूजा की जाती है, यानी कि उनके लिए भी एक दिन होता है। जैसे कि हम अपना बर्थडे मनाते हैं, तो क्यों ना वैसे उन जानवरों का भी बर्थडे मनाया जाए और एक दिन उन्हें इतना खुश किया जाए कि उनको भी लगे कि मेरे साथ आज क्या हो गया। गाय को धन की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन जिस तरह से नेपाल में इनका पूजन होता है वैसा भारत में नहीं देखने को मिलता। गाय जिसे तिहर के तीसरे दिन पूजा जाता है, तो वहीं चौथे दिन पूजा जाता है बैल को, यानी कि ऑक्स को, और ये तिहर का दिन समर्पित किया जाता है बैल को और बैलों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि बैल भगवान शिव का वाहन है और इन्हें नंदी कहा जाता है। गायों और कुत्तों की तरह बैलों को स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया जाता है, उनके माथे पर टीका लगाया जाता है और गले में गेंदे के फूल का माला डालकर उनकी पूजा की जाती है, जो कि एक और सम्मान है ऑक्स के लिए भी, यानी कि बैलों के लिए भी। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें जानवर की तरफ, जो कि है सांप, यानी कि स्नेक। काठमांडू के स्थानीय लोग नाग पंचमी उत्सव मनाने के लिए अपने दरवाजे पर एक नाग छवि लगाते हैं, यानी कि एक स्नेक की फोटो लगाते हैं। नाग पंचमी नाग देवताओं को समर्पित त्योहार है। जो भी इसका पूजन करते हैं वो गाय के गोबर के साथ दरवाजे के शीर्ष पर नागों की तस्वीर लगाते हैं, टीका धूप और चावल के दाने डालते हैं और दूध और फल चढ़ाते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि यह उन्हें सांप बिच्छुओं और अन्य जहरीले जानवरों से काटने और आपदाओं से बचाएगा, यानी कि तूफान आग और बिजली गिरने जैसे आपदाओं से भी ये बचाएगा। दोस्तों नाग पंचमी भारत में भी मनाया जाता है और वहाँ नाग और सांपों को दूध पिलाया जाता है, लेकिन नेपाल में कुछ अलग ही तरीके से इसे मनाया जाता है जिसका मैंने जिक्र किया। और आमतौर पर सांपों को मार दिया जाता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सम्मान क्रिएट करता है, उनको पूछ कर उनको भगवान का दर्जा देने से कहीं ना कहीं उनकी जान भी बच जाती है कई बार, क्योंकि कल्चरल वैल्यूज कहीं ना कहीं आदमी के मन में ऊपर आती हैं। तो ये तो था हमारा पांचवा जानवर। अब जो छठा जानवर है वो है मेढक, यानी कि फ्रॉग। श्रवण की पूर्णिमा के दिन, जिसे जनई पूर्णिमा कहा जाता है, उस दिन काठमांडू में नेवार लोग एक अनुष्ठान के रूप में मेढक की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करते हुए उन मेढकों को चावल चढ़ाए जाते हैं, जिसको कहीं ना कहीं वर्षा यानी की बारिश से जोड़कर पूजा की जाती है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत वैल्यूज देखने को मिलती है मेढक के लिए, जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक जीव हैं। अब बात करेंगे अपने सातवें और आखिरी जानवर की, जो कि है बंदर। चैत मार्च अप्रैल के महीने में पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती आती है, जिसे वानर देवता के रूप में मनाया जाता है, यानी उस दिन होता है हनुमान जी का पूजन। इस दिन महाभारत के अनुसार भगवान राम के सेवक हनुमान को सिंदूर लगाकर लाल कपड़ा चढ़ाकर इस दिन को मनाया जाता है, और इस दिन को भारत में भी काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये हिंदुओं का एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो हम इंसानों को कहीं ना कहीं प्रकृति, जानवर और प्रकृति की दी हुई हर चीज का सम्मान करना चाहिए और इनके प्रति एक अच्छा भाव रखना चाहिए, जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहे। और यदि आपको और कोई जीव जिसका पूजन होता है उसके बारे में पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर मुझे जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ओरिजिनल वीडियो आपको कहीं और इंटरनेट पर नहीं मिलने वाली। इसीलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। NI News।